हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो मैं फिर से वापस आया हूं और आपके लिए लेकर आया हूं न्यूक्लिक एसिड्स का जो लेक्चर एक सीरीज चल रहा था, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, काफी बेसिक है, बहुत बेसिक बात है आज का, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं, तो आज का बेसिक्स भी हम देखेंगे। इससे पहले मैंने न्यूक्लिक एसिड्स 1B में लेक्चर नंबर 1 to 4 तक मैं कवर कर चुका हूं, उसको सारे बच्चे जरूर जरूर देखिए, काफी फायदा आपको उससे मिलेगा। उससे जुड़े सवाल आते हैं, गेट का पेपर हो, CSIR नेट JRF का हो, या जैम बायोटेक का पेपर हो, उसमें क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे कॉपी कलम उठा लीजिए और साथ में बैठते हैं और आज पढ़ते हैं कंसेप्ट। चलिए, तो आज का क्या है हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, और दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स ऑफ BDNA। कहने का मतलब है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये कि आप कहीं कहीं इस प्रकार का नोटेशन देखते होंगे आप। ठीक है, आपको याद, देख करके आपको याद आ गया होगा। इस तरीके का नोटेशन अक्सर किताब में इस्तेमाल कर दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो इसका मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब क्या है। दूसरा बात, कभी कभी आप ऐसे भी स्ट्रक्चर देखते होंगे, कभी कभी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देता होगा। काफी छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कल को इसी पर सवाल आपसे पूछ देगा। तो यही समझेंगे कि नोटेशन, इसको बेटर है कि नोटेशन लिख दो, नोटेशन सही रहेगा कि आप पॉली न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी बात को आज समझेंगे। दूसरा बात, मैंने क्या किया है कि यहां पर मैंने BDNA लिया है, ये BDNA आपका नेचुरली आपके बॉडी में BDNA ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस BDNA का कुछ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स देखेंगे, इस स्ट्रक्चर पैरामीटर का बेस क्या है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अलग से भी टॉपिक है, CSIR NET के JRF में टॉपिक क्या है, कंफर्मेशन ऑफ ADNA, BDNA और ZDNA, वहां पर कंफर्मेशन और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर या उसमें बेस का सीक्वेंस को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, ये फास्फोरस ATCA फास्फोरस, इस तरीके का लाइन आपको ड्रॉ करके दे देगा, कल को सवाल पूछ सकता है, लाइन ड्रॉ करके दे देगा, कहेगा बताइए ये जो नोटेशन रिप्रेजेंट किया गया है इसका 5 टर्मिनल किधर है, 3 टर्मिनल किधर है, या आपसे यही पूछ देगा कि ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का तमाम सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आप ये देखिए PGP PGPA, इस तरीके का दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और ऐसे भी दे सकता है। इतने सारे तरीके हैं जिसके तहत आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, या जो बेस का मच बेटर विल बेस बेस पे का जो सीक्वेंस है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ध्यान दो, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, ये जो फास्फोरस, याद रखना ये फास्फोरस यहाँ 5 प्राइम पर है। ठीक है, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। ठीक है, फिर यहां पर 3 प्राइम। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सारी बातें समझ में आ रही है आपको कि जब ऐसा नोटेशन दिया हो तो लेफ्ट साइड में फास्फोरस है, मतलब ये क्या है, पेंटोज सुगर के 5वें कार्बन पर ये फास्फोरस आपका एस्टेराइड फॉर्म में रखा हुआ है। उसके बाद में बीच का जितना भी लाइन दिया है, PPB का लाइन है, ये क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बता रहा है। ध्यान से सुनिए बेटा, डायरेक्शन क्या हुआ,
प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम, आपको यहीं पर दे देगा फाइव प्राइम थ्री प्राइम, तो आप हो जाओ कंफ्यूज। तो इंटरनल फॉस्फेट बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम मूव करता है, और सबसे लेफ्ट का क्या है फाइव प्राइम। आपको पता है कि उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सबसे लास्ट जो राइट एंड है वहां का जो थ्री प्राइम, ये कार्बन है थ्री प्राइम, इसका ओएच क्या है फ्री होता है फ्री होता है फ्री होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ध्यान से देखो तो ये नोटेशन किसका है, ये डिऑक्सी राइबोज सुगर का नोटेशन है। अगर यहीं पर राइबोज सुगर होता तो क्या होता, इसके कार्बन नंबर टू और कार्बन थ्री दोनों पर ओएच यहां दिखा देता। क्लियर हो गया, किसी को समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल पी क्या बता रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बता रहा है। ठीक है, बेस को कहां डिनोट किया गया, बेस को सिंगल लेटर डिनोट किया गया है टॉप पर। ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के टॉप पर क्या है सिंगल लेटर में बेस है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े बेटे। चलिए, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को डिनोट करते हैं पेंटोज सुगर से। ये पेंटोज सुगर राइबोज सुगर हो सकता है, राइबोज होगा तो वहां पर टू प्राइम ओएच दिखा देगा। ये आपका पेंटोज सुगर डीऑक्सी राइबोज सुगर भी हो सकता है। ठीक, क्लियर, कोई समस्या नहीं, आगे हम बढ़े। चले आगे, चलिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, जहां आपका बेस सिंगल लेटर कोड दिखा रहा है ना, ये क्या है, ये सी वन डैश कार्बन है पेंटोज सुगर का। ठीक है, सबसे बॉटम का जो ये लाइन, यहां जो सबसे बॉटम लाइन का जो पार्ट है, सबसे बॉटम पॉइंट जो लाइन का है, यहां फाइव प्राइम कार्बन है जो मैंने लिख रखा है। ये बात को समझते रहिए, आई बात समझ में, कोई समस्या तो किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसमें देखोगे तो सबसे लेफ्ट में क्या है फाइव प्राइम फॉस्फेट, इधर क्या है थ्री प्राइम ओएच, फ्री होगा बाउंडेड नहीं होगा। क्लियर है, तो फाइव प्राइम ऑन द लेफ्ट थ्री प्राइम ऑन द राइट, फाइव प्राइम फॉस्फोराइलेटेड होता है थ्री प्राइम फॉस्फोराइलेटेड, सॉरी यहां मैंने गलती कर दिया, थ्री प्राइम फॉस्फोराइलेटेड नहीं होता, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, नहीं होता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है फाइव प्राइम पी फाइव प्राइम, यहां पर फाइव प्राइम, इधर होता है थ्री प्राइम। तो जब भी आपको बेस का सीक्वेंस दे दे तो लेफ्ट साइड फाइव प्राइम, राइट साइड थ्री प्राइम। फाइव प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप एस्टेडिफाइड रहेगा और राइट साइड का थ्री प्राइम जो कार्बन है पेंटोज का, हुआ क्या हुआ फ्री रहता है उसका ओएच ग्रुप। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। अगर दिक्कत हो तो आज डाउट सेशन लेंगे, उसमें आइएगा और समझा देंगे। अगर यहां नहीं समझ आया तो मैं आशा करूंगा कि पूरा चीज यही समझा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिस पर क्वेश्चन आता है, ये है बीडीएनए। और आप देखेंगे ये बीडीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है बीडीएनए का। बीडीएनए का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आज हम सिर्फ पैरामीटर बताएंगे, कौन कौन से पैरामीटर, हेलिकल सेंस क्या है, डायमीटर क्या होगा, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न में क्या होगा, हेलिक्स राइज पर बेस पर क्या होगा, और वन टर्न लेंथ क्या होगा। जिस तरह मैंने प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स के बारे में सारी पैरामीटर बताया था, उसी तरह यहां बताएंगे पैरामीटर। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तब वहां पर बीडीएनए के बारे में जो वाटसन क्रिप साहब का जो मॉडल था उसके तहत बीडीएनए का जितना भी सीलिएंट फीचर्स है सारे फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, यहां समझिए। अब देखिए कैसे समझोगे, देखो ये जो है ना, ये यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, ये होता है वन टर्न, एक टर्न होता है, एक टर्न, ध्यान देना, यहां से चला यहां पहुंचा एक टर्न। इस एक टर्न में जिसको बोलते हैं क्या है, ये कहां गया टर्न, वन टर्न, वन टर्न, इस एक टर्न की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है फाइबरस फॉर्म, जब डीएनए फाइबर फॉर्म है। तो अगर डीएनए आपका एक्वा सोल्यूशन में है, किसी किसी किताब में दिया है, लेलिंजर ने 34 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो इसी को फॉलो कीजिएगा। तो एक्वा सॉल्यूशन में एक टर्म की लंबाई होती है 36 एंगस्ट्रॉम, 36 एंगस्ट्रॉम। और याद रखिए बेटे, इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेना नैनोमीटर में, कभी कभी नैनोमीटर देके पूछ देता है, तो क्या होगा 0.36 नैनोमीटर होगा।
क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इस एक टर्न की लंबाई है 34 अंगस्ट्रॉम, इसी एक टर्न में कितने बेसेस होते हैं? तो इस एक टर्न में 10 बेस भी हो सकते, 10 बेस होते हैं और 10.5 भी लिखा हुआ है। तो किसी किसी किताब में 10.5 भी देता है, किसी किसी में 10 भी देता है, तो जैसा होगा वैसा बताइएगा, लेकिन आप फॉलो करना 10 बेस पे फॉलो करना, ठीक है? तो ये होता है कि एक टर्न में 10.5 बेस पेयर या 10 बेस पेयर, 10 उतना बेस पेयर की संख्या होती है। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। और इसी एक टर्न के लंबाई को कहते हैं क्या? पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मुझे ये समझाओ कि जब मैंने आपको बता दिया कि एक टर्न में कितना बेसेज है और एक टर्न हेलिक्स में कितना उसकी लंबाई होती है और एक टर्न में कितना बेसेज है, तो मुझे ये बताओ कि हेलिक्स राइज पर बेस पेयर क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक बेस यहां है, दूसरा बेस यहां है, तो इसके बीच में गैप होगा, इसके बीच में डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, तो ये जो काला, ये जो ब्लैक जो पेन है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि एक टर्न की लंबाई कितनी है? 34 अंगस्ट्रॉम। आ इस एक टर्न में कितना बेस पेयर है? 10 पेयर है, 10 बेस पेयर है। तो किसी भी दो बेस पेयर के बीच में कितना दूरी होगा? 34/10 हो जाएगा, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम, या कभी कभी लिखता है 3.6 एंगस्ट्रॉम, बट जो ब्रैकेट में दिया है उसको बाद में देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछता था देखना, बट जो ब्रैकेट जो हमने बाहर लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज लेलिंजर में दिया हुआ है और लेलिंजर को मोस्ट ऑफ द ऑथर फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जामिनर वही फॉलो करते हैं, ठीक है? तो आया समझ में कि कैसे हमने निकाला दो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है? हमने एक टर्न का लंबाई निकाल लिया, उस एक टर्न के लंबाई से लंबाई को मैंने डिवाइड कर दिया, उस एक टर्न के लंबाई में कितना बेसिस है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सिंपल आपका एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है। क्लियर हो गया। इसके बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ हुआ तो डाउट से वहां और समझा देंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां कभी कभी डायमीटर पूछता है, डायमीटर चौड़ाई, जैसे कि अगर डबल हेलिक्स ऐसे बना हुआ है तो इसका चौड़ाई कितना होगा, जिसके डायमीटर होती है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, ये सब याद रखना। और ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ये नेचुरली हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है? कभी कभी डेटा ही देख के सवाल पूछ देगा आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, नोबडी नोज, हर चीज पढ़ के जाना है पेपर, ठीक है? आगे बढ़े चलिए। तो लेक्चर थ्योरी यही समाप्त हो गया, आज छोटा सा थ्योरी था। आज ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है, दोनों क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आज डाउट से समझाएंगे, सवाल भी बताएंगे आपको और कुछ बातें भी आपसे कर लेंगे। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, अच्छा लगा तो एक लाइक करना, नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरा अधिकार है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत तो अधिकार ले ही सकता हूँ यार। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, डाउट्स में आपका हम प्रतीक्षा करेंगे, तब तक के लिए बाय, अलविदा, टेक केयर।